हम इस वक्त भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली कस्बे के सोनौली कस्बे मौजूद है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह सोनौली बस अड्डा है और इसके ठीक सामने एक मोबाइल का दुकान है। मोबाइल का दुकान का नाम है प्रिया मोबाइल वर्ल्ड। दुकान का नाम हम क्यों बता रहे हैं आपको बता दें कि बीते मंगलवार की रात इस दुकान में लाखों की चोरी हो जाती है। कुछ चोर जो है आते हैं और दुकान के शटर को तोड़ करके दो तीन जगह से काट करके और इस दुकान से लगभग 78 पीस मोबाइल और गल्ले में रखा लगभग 1.5 लाख कैश उठा के ले रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद रोज की तरह जब दुकान स्वामी अजय कुमार विश्वकर्मा आते हैं और 8:30 बजे जब वह दुकान में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके शटर जो है काटा गया है, वह देखकर वह उनके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद ये अपने परिवारजनों को और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन हालांकि जब दुकान का शटर उठाया जाता है तो देखते हैं दुकान में जितने भी मोबाइल है वह मोबाइल गायब रहते हैं। गल्ला चेक किया जाता है तो गल्ले से जो पैसा था वो पैसा भी गायब रहता है। उसके बाद व्यापारियों की भीड़ जुट जाती है और जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। कैसे ये चोरी हुआ हम आपको ये बताते हैं। जो ये जो सोनौली जो सीमावर्ती क्षेत्र है और इस कस्बा होने के नाते यहाँ पर नशा कारोबारी जो है जमकर फलता फूलता रहता है। शाम ढलते ही आप रोड पर देख सकते हैं जो है कई सारे जो है नशेड़ी इस रोड पे चलते रहते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं। हालांकि पुलिस जो है इन नशा कारोबारियों पर अंकुश लगाने का दावा तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी दिखती आती है। ये रोज की घटनाक्रम है। ये माना जा रहा है ये जो चोरी है हो सकता है कि कोई गिरोह का काम किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई नशेड़ी जो है अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया हो। बीते मंगलवार की रात जिस दुकान में चोरी हुआ उस दुकान के स्वामी हमारे साथ मौजूद है। अजय कुमार विश्वकर्मा जी, क्या हुआ था उस रात जो है, क्या उस रात हर दिन की तरह हम जो है शाम को 10 बजे दुकान बढ़ा के अपने घर पे चले गए। रोज की तरह सुबह जब हम आए 7:30 बजे देखे उसके बाद शटर मेरा टूटा हुआ था। उसके बाद तुरंत हमने चारों भाइयों को बुलाया, अपने भाई लोग के साथ उसके बाद प्रशासन को फोन करवाया। प्रशासन आधे घंटे के बाद आई। आधे घंटे के बाद प्रशासन में 2-3 सिपाही आए, उसके बाद और चौकी इंचार्ज आधे घंटे बाद आए। चौकी इंचार्ज फिर बोले शटर उठाया जाए, फिर हमने शटर उठाया। उसके बाद देखा तो दुकान में एकदम कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ चोरी हो चुका था, कोई भी सामान नहीं बचा था। कैसे कैसे हम चार भाइयों ने मिलकर इसको किया था, कुछ भी दुकान में नहीं बचा है। कितने की लगभग चोरी हुई है और कितना नुकसान हुआ है? लगभग 14-15 लाख का चोरी हुआ। 78 पीस का फोन भी चोरी हुआ। 78 पीस फोन था, 1.5 लाख रुपए का कैश था और सामान जो भी था सब कुछ लेके गए, कुछ नहीं छोड़ा। नकदी वगैरह भी था 1.5 लाख के आसपास, गले में एक सिक्का तक नहीं छोड़े। पुलिस ने इस पर अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस बस प्रशासन ये बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द खुलासा हो। कुछ सीसीटीवी फुटेज की बात आप बता रहे थे कि जो है जो अगल बगल चेक किया गया है उसमें कुछ संदिग्ध लोग दिख रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उसमें 5 लोगों का देखा गया है, 5 लोग का, 2 लोग का फेस भी आया है और गाड़ी भी उसमें है, साथ में इन्वॉल्व गाड़ी है सब। सीसीटीवी पुलिस वाले भी देखे हैं, अभी उस पर कुछ बताया नहीं है। बिल्कुल बता दें आपको जो है बीती रात जो है मंगलवार की रात एक बड़ी घटना घटती है और लगभग 13.5 या 14 लाख की जो है नुकसान कर दिया जाता है एक प्रिया मोबाइल वर्ल्ड दुकान में। और पुलिस ने फिलहाल मुकदमे इस चोरी के बाबत जो मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी कितनी कार्रवाई है इस कार्रवाई से कहीं भी दुकानदार अभी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि उस रात की जो है जो घटनाक्रम थी उस घटनाक्रम में जो है एक अर्टिगा गाड़ी जो है दिखती है अगल बगल जो है सीसीटीवी फुटेज लगाने पर, जो लगभग 9 बजे रात नगर पालिका सोनौली नगर पंचायत के जो है कार्यालय के ठीक सामने पूर्वांचल बैंक के पास 9 बजे रात में पार्क होती है और उसमें से 5 लोग उतरते हैं। और फिर उसी रात्रि जो है लगभग भोर में 3 बजे उस गाड़ी में 5 लोग बैठते हैं और यहां से जाते हैं और इसी दुकान के ठीक सामने सीसीटीवी फुटेज कैद होती है 4-5 जो है काले रंग के बड़े बड़े बैग उसमें सामान रखा रहता है उस गाड़ी में रखा जाता है और गाड़ी फिर जो है निकल जाती है भोर में 3 बजे। अब देखना यह जो है संदिग्ध ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो चोर थे उसी गाड़ी में बैठे थे, उसी गाड़ी में सवार होकर गए हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस इसको कितना गंभीरता से लेती है ये वक्त बताएगा। हालांकि अभी तक 3 दिन हो गया है लेकिन किसी भी तरह का किसी भी चोर की धरपकड़ नहीं की गई है, किसी व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जा रही है अभी तक।
अब देखना यह है कि चूंकि व्यापार मंडल जो है वो भी काफी आक्रोशित है, उनका मांग है कि जल्द से जल्द पुलिस को इस चोरी की खुलासा कर। हालांकि पुलिस दावा करती है कि सोनौली कस्बे में पूरी रात जो है इस कस्बे में गश्त करती है, रात रात गश्त करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस दुकान में जो है शटर काट करके चोरी घटना को अंजाम दिया गया तो इतनी जल्दी तो शटर नहीं कटी होगी, या माना जा रहा है कि घंटों वक्त लगा होगा शटर काटने में। और अगर पुलिस दावा करती है कि वह पुलिस जो है रात्रि में गश्त होता है तो पुलिस की नजर से जो है क्यों ये अछूता रह गया। हालांकि कई सारे पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहा है, व्यापार मंडल भी मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इस चोरी की घटना का खुलासा होना चाहिए। चोरी की इस बड़ी घटना के बाद आसपास के दुकानों पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर यह पता चला कि मंगलवार की रात एक अर्टिका गाड़ी से 5 लोग उतरे थे और रात में गाड़ी से सोनौली से बाहर चली जाती है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ बड़े बैग भी दिख रहे हैं, हालांकि यह सब संदिग्ध लग रहे हैं। पुलिस जाँच करने का दावा कर रही है। पुलिस ने इस मामले में धारा 457 व 380 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वह जल्द ही इस मामले की खुलासा करेंगे। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।